दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से यह छोटी सी कहानी आपको संकल्प शक्ति के बारे में बताएगी। जीवन में बहुत सारी स्थितियों में हमें संकल्प शक्ति को प्रयोग करने की प्रयोजन होती है, पर हम जानबूझकर अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग नहीं करते या इसे जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। एक नगर में एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था। उसे धन की कोई चिंता नहीं थी, पर धीरे धीरे उसके ही जैसे और कुछ लोग नगर में धनवान होने लगते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। वह व्यक्ति अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि यदि अन्य लोग भी मेरे ही तरह धनवान हो गए तो लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे। ईर्ष्या के कारण उसके मन में यह चिंता बैठ गई। एक दिन वह व्यक्ति अपने एक मित्र को बुलाता है और उसे यह सभी बातें सुनाता है। वह मित्र उसका बहुत करीबी होता है। उस मित्र ने उस व्यक्ति की सारी बातें सुनने के पश्चात सलाह देते हुए कहा कि तुम बुद्ध से जाकर मिलो, वे तुम्हारी सभी समस्याओं के समाधान निकाल सकते हैं। वह व्यक्ति अगले ही दिन प्रातःकाल बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, हे बुद्ध, बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूं। दरअसल कुछ दिनों से मेरे भीतर ईर्ष्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण मेरे भीतर यह डर पैदा हो गया है कि कई और लोग मुझसे बड़े न बन जाए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि क्रोध बुरा है, लालच बुरा है, ईर्ष्या बुरी है? वह व्यक्ति कहता है, हाँ बुद्ध, मैं जानता हूं कि ये सभी बुरे हैं। इन सभी चीजों से आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है। मैं जानता हूं, फिर भी ये सभी चीजें मेरे भीतर वास करती हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम कुछ दिन यहीं रुको मेरे साथ और प्रतिदिन ध्यान करो। वह व्यक्ति बुद्ध के पास ही रुक जाता है। वह व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करने की कोशिश करता है, पर उसका ध्यान बार बार उन्हीं बातों पर चला जाता है, जिसके कारण वह परेशान था। वह बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं ध्यान करने की कोशिश तो कर रहा हूं, पर मुझे बार बार वही बातें याद आ रही है जिसके कारण मैं यहां आया हूं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो। कुछ दूर आगे चलने के बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, हम कहां जा रहे हैं बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, तुम चिंता मत करो और आगे चलते रहो। बहुत दूर आगे चलने के बाद उनके पथ पर कुछ ऐसे वृक्ष आ जाते हैं जिन पर बहुत ज्यादा कांटे होते हैं। वह व्यक्ति थोड़ा घबराता है कि उसके पैरों में कहीं कांटे न लग जाए, पर बुद्ध उन कांटों वाले पेड़ से ही गुजरने को अपने भिक्षुओं और उस व्यक्ति को कहते हैं। वह व्यक्ति और बुद्ध के सभी भिक्षुक उन कांटों वाले पेड़ों में से ही गुजर रहे होते हैं। एकदम से उस व्यक्ति के पैरों में एक कांटा लग जाता है। वह कांटा काफी अंदर तक धस जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है और वह जोर जोर से कराहने लगता है। जो भी बुद्ध का भिक्षुक उस व्यक्ति के पास जाकर उस कांटे को निकालने का प्रयास करे, वह व्यक्ति उसे मना कर देता है और कहता है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, अगर तुम इसे निकालने का प्रयास करोगे तो मुझे और पीड़ा होगी। वह व्यक्ति किसी को भी अपने पास नहीं आने देता। बुद्ध कहते हैं, यह पीड़ा तुम्हें हमेशा होती रहेगी अगर तुम अपनी संकल्प शक्ति का उपयोग कर इस कांटे को बाहर नहीं निकालोगे। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम अपनी पूरी संकल्प शक्ति का उपयोग कर इस कांटे को पकड़कर जोर से बाहर निकालकर फेंक दो, फिर तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा।
अगर तुम इस कांटे को अपने पैर में ही लगा रहने दोगे तो यह दर्द कभी भी खत्म नहीं होगा। वह व्यक्ति बुद्ध की बात मान लेता है और अपनी संकल्प शक्ति को इकट्ठा कर उस कांटे को जोर से निकाल कर बाहर फेंक देता है। उसे बहुत तेज पीड़ा होती है, पर उसके बाद उसका दर्द कम होना शुरू हो जाता है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक इसी कांटे की ही तरह तुम भी कुछ स्थितियों में घिरे पड़े हो जिसके कारण तुम परेशान हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर यह तय करो कि तुम्हें इन सभी समस्याओं से निकलना है। तब तक उन निर्णय के साथ अड़े रहो जब तक तुम उन सभी समस्याओं से निकल नहीं जाते। तुम अवश्य ही उन सभी समस्याओं से निकल जाओगे, पर तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना होगा। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते या जानबूझकर नहीं करते। आपके भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसे इच्छा शक्ति कहा जाता है। अगर आप इसका उपयोग करना सीख जाएं और सही तरह से उसे उपयोग में लाना सीख जाएं, तो आप वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। Thank you.